कई दिनों से सोच रहा था कि कहीं स्विमिंग पूल में जाके या कोई वाटर पार्क में जाके नहाऊं, तो आज मैं जा रहा हूँ खानापारा के ड्रीमलैंड वाटर पार्क पे। वैसे तो गुवाहाटी में दो वाटर पार्क है, एक है एकोलैंड और एक है ड्रीमलैंड वाटर पार्क जो खानापारा में लोकेटेड है। तो आज जाने वाला हूँ, निकलने वाला हूँ, उससे पहले मैं क्या लूँ वो सोच रहा था। वहाँ पे पहनने के लिए एक टी शर्ट लिया हूँ और एक हाफ पैंट, और अभी पहन के जाऊँगा मैं एक लॉन्ग पैंट और एक टी शर्ट पहन के जाने वाला हूँ, तो दिखाता हूँ। मैं अभी ये पहन के जाने वाला हूँ, एक येलो टी शर्ट है और एक ब्लू कलर का जींस। तो मैं येलो टी शर्ट पहन चुका हूँ, वैसे तो येलो बिग फेलो कहते हैं, फिर भी मैं पहन चुका हूँ। अब चलते हैं खानापारा के ड्रीमलैंड के वाटर पार्क। तो मैं रूम लॉक कर चुका हूँ और अब निकल रहा हूँ ड्रीमलैंड वाटर पार्क की तरफ। मैं जाने वाला हूँ इस बाइक से, ये मेरा बाइक है तो इससे मैं जाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, देखते रहिए वीडियो को, और वहाँ पे पहुँच के मैं दिखाता हूँ कि वहाँ का नज़ारा कैसा। तो मैंने हेलमेट पहन लिया है, अब निकल रहा हूँ मैं ड्रीमलैंड वाटर रिजॉर्ट की तरफ। तो आइए चलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं ड्रीमलैंड पे। ये है ड्रीमलैंड का गेट और आपका टिकट काउंटर इधर है, यहाँ पे आपका टिकट काउंटर है, यहाँ पे जाके टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे चेक इन होता है, यहाँ पे आपको चेक किया जाएगा आपके पॉकेट में क्या है वो, उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री करने को दिया जाता है। इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ऐसा नज़ारा है, चारों ओर ग्रीनरी है, आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे आके पहाड़ है उस साइड में, हिल्स एंड वैली है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पार में जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो पहाड़ मेघालय का साइड है, यानी कि इधर आसाम है उधर मेघालय, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के सामने है ड्रीमलैंड। वो जो देख रहे हैं ना वो बॉर्डर है, उस साइड में मेघालय है और इधर आसाम। तो ये है अंदर का गेट, आपको इधर से आना पड़ेगा वॉल के सामने, सामने से आके उधर में आपको दिखाई देगा वाटर पार्क। पहले मैं जाऊंगा स्नो लैंड पे, मैं लाइन पे खड़ा हूँ फिलहाल, फोन कर रहा हूँ। इस लाइन से होके आपको अंदर में स्नो लैंड में, मतलब स्नो है, स्नो इग्लो वो सब दिखाई देगा, देखते क्या है अंदर।
Thank you.